हर किस्म की तारीफ व हम्द, हर किस्म की तौसीफ, बुजुर्गी, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए, उसी जुल जलाल वल इकराम के लिए जिस खालिक़े कायनात, जिस रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया की किसी भी चीज को बेकार नहीं बनाया। हर चीज के पैदाइश में, हर चीज के पैदा करने में उसकी हिकमत मसलहत कार फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको दुनिया की हर नफा बख्श चीज से फायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको दुनिया में हर जरर रसानी करने वाली चीज से बचने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। फिर दरुद ए सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين। हाजरीन जुमा, बुजुर्गो, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन खवातीन, इस्लामी माँ और बहनों, जैसा कि आपने खुतबे का उन्वान न सुना न देखा है, उन्वान ही बिला उन्वान है। खुतबे का कोई उन्वान था नहीं, दे नहीं दिया गया था, क्योंकि मुझे उस टॉपिक पर बात करनी है जो नजर नहीं आती, जो नजर नहीं आती। मेरी मुराद अल्लाह की मखलूकात में से एक ऐसी अजीम मखलूक भी इस दुनिया में रहती है जिसे हम जिन और शैतान के नाम से याद करते हैं। जिन किसे कहा जाता है? अरबी जबान का एक लफ्ज है जन और जिन, उस चीज को कहा जाता है जो गैर मरई ओझल होती है, निगाहों से ओझल हो, नजर में ना आए, उसे जिन कहा जाता है। जन्नत सुना है नाम? अल्लाह मुझे और आपको बगैर हिसाब, बगैर अदाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए, आमीन। जन्नत को जन्नत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जन्नत अल्लाह ने उसे दरख्तों से छुपा दिया है, दरख्तों से छुपा दिया है। और उसी तरह से मादरे रहम में जो बच्चा होता है उसको जनीन कहा जाता है अरबी जबान में, जैसे हदीस में दकातुल जनीन दकातु उम्मी। जनीन इसलिए कहा जाता है कि वो मादरे रहम में पोशीदा होता है और जब जाहिर हो जाए तो इंसान की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस दुनिया में ले आता है। उसी तरह से अरबी जबान में मजन कहा जाता है उस चीज को जो जंगी मैदान में ढाल की तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तीरों से, तलवारों से बचने के लिए जो ढाल अपनाई जाती है उसको मजन कहा जाता है। अलगर्ज इमाम इब्ने फारिस ने अपनी किताब मकाइसुल लुगा में, तो अरबी जबान में जिन का लफ्ज ज़बेदी ने अपनी किताब में, इब्ने फारिस ने अपनी लुगत में, और उसी तरह से इब्ने मंजूर ने अपनी किताब लिसानुल अरब में जिक्र किया है। जिन उस चीज को कहा जाता है जो ओझल हो, नजर ना आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनों को क्यों पैदा किया? क्या जिन का लफ्ज कुरान मजीद में है? अल्लाह ने जिनों को जैसे हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिनों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह दारियात की आखिरी की आयतें वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने आपने बार बार सुनी और पढ़ी है। अल्लाह ने जिनों इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। क्या कुरान मजीद में जिन का लफ्ज वारिद है? जी हाँ, बेशुमार मरतबा कुरान मजीद में जिन का लफ्ज वारिद है, जिनमें से लफ्ज अलजान है। अलजान वखलक अलजान मिन मारिजिम मिन नार, अलजान का लफ्ज कुरान मजीद में 7 मरतबा आया है, और लफ्ज अलजिन कुरान मजीद में 22 मरतबा वारिद है, और ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद में जो लफ्ज आया है वो लफ्ज शैतान है। वो शैतान कितने मरतबा आया है? 68 टाइम आया। कितने मरतबा बच्चों? 68 मरतबा, 68 मरतबा कुरान मजीद में शैतान का लफ्ज है, और उसकी जमा शयातीन अल्लाह ने 17 मरतबा जिक्र किया है। तो अलगर्ज कुरान मजीद में बेशुमार मरतबा जिन और शैतान का जिक्र आया है। क्या जिन और शैतान में कोई फर्क भी है? क्या जिन और शैतान में कोई फर्क है? तखलीक के एतबार से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ने दोनों को आग से बनाया है। खिलकत के एतबार से
کوئی فرق نہیں ہے. جیسے میں نے سورۃ الرحمن کی آیت پڑھی وخلق الجان من مارج من نار, اللہ نے جنوں کو دہکتے ہوئے شعلوں سے بنایا ہے, لو والی آگ سے سورۃ الحجر میں فرمایا اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے. رہی بات ہم انسانوں میں, جیسے مسلمان کافر ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں, مومنوں میں بھی کام چلاؤ مسلمان ہوتے ہیں, خالص مومن ہوتے ہیں, اللہ کے برگزیدہ اولیاء بندے ہوتے ہیں, اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. تو اسی طرح جنوں میں سے بھی کئی ایک قسم ہیں, جنوں میں بھی یہودی ہوتے ہیں, جنوں میں بھی ہندوسی ہوتے ہیں, جنوں میں بھی نصرانی ہوتے ہیں, جنوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں, جنوں میں بھی پکے مومن ہوتے ہیں, جنوں میں بھی داعی مبلغ ہوتے ہیں, جنوں میں بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, اور جنوں میں بھی شیعہ سنی رافضی یہ بھی ہوتے ہیں. جی ہاں, الغرض تو شیطان کسے کہا جاتا ہے؟ جنوں میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں. شیطان اس قوم کو کہا جاتا ہے جنوں میں, شیطان جنوں میں اس قوم کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سرکش فاسق فاجر ہو, سب سے زیادہ بدکار ہو, جس کے اندر سرکشی بغاوت ہو, اس کو شیطان کہا جاتا ہے. غور کیا آپ نے قرآن مجید میں جن سے زیادہ اللہ نے شیطان کا لفظ استعمال کیا, جن سے زیادہ شیطان کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ جنوں کی خصلت میں سرکشی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اللہ نے شیطان کا استعمال کیا. سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم پہلے آئے یا جن پہلے آئے, ہم پہلے آئے یا جن پہلے آئے؟ الغرض خلقت کے اعتبار سے اللہ نے جنوں کو ہم سے پہلے پیدا کیا. کیا مطلب ہے؟ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, والجان خلقناہ من قبل, آدم علیہ السلام یعنی جیسے ہمارے باپ ہیں ابو البشر ہیں, ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جنوں کے باپ ابو الجن کو پیدا کیا. والجان خلقناہ, ابن کثیر نے فرمایا, امام شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں نقل کیا, امام بغوی نے اپنی کتاب معالم التنزیل میں نقل کیا, یہاں والجان خلقناہ سے مراد جیسے انسانوں کے باپ آدم ہیں اسی طرح جنوں کے باپ ابو الجن کو اللہ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا. الغرض